गया हर हर मोदी, घर घर मोदी। पीएम मोदी ने कमाल कर डाला भाई, दिलों पे राज। तो मैं दुनिया का देख रही थी, इंडिया का देख रही थी, मुझे लगता था कि नहीं बस दो तीन और हो गए, अब किसी और को मौका मिल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानियों ने कहा नहीं भाई, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को निकाला तो मुमकिन नहीं होगा, मोदी ने आना है तो आना है। अब मोदी जी आ गए और जश्न, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जहां जहां पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग है, वहां वहां से सेलिब्रेशन की वीडियोस वायरल हो रही है। चले 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 दूर कहाँ जाना है, कि प्रिंस वो भी कहते हैं कि भाई मुबारक हो, आ गए दोबारा। तो क्या कहेंगी आपके, हर तरफ मोदी मोदी हो गया है और दोबारा वो अपने इंडिया को लीड करने के लिए आ गए हैं। कहते हैं ना अनम, के जब कोई पिक्चर अच्छी होती है ना तो उसका ट्रेलर बहुत खूबसूरत पहले ही समझ में आ जाता है ट्रेलर से। तो 3 राज्यों में कल हमारी जीत हुई है और भारी बहुमत में जीत हुई है, और ऐसे राज्यों में हुई है जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से हमारी जीत हुई है वो अपने आप में इस बात को दर्शा दिया है, इस बात को बता दिया है कि मोदी का करिश्मा और मोदी वेव अभी तो 25 साल खत्म नहीं होने वाला है। चाहे जो करना है कर लो भैया, चाहे जितना बोलना है बोल लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सबसे खूबसूरत चीज पता है अनम, मुझे ये इस बात का एहसास हुआ कि इस बार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों ने, जनता ने ये बताया है कि भाई हमें मोदी जी जैसा भारत बना रहे हैं, हमें ऐसा ही भारत चाहिए था जो हमने हमने सपनों में देखा था, जो हमने ख्वाब देखा था कि ऐसे भारत, ऐसा भी भारत हो सकता है, वाकई में 9 साल में मोदी जी ने बना कर दिया। दूसरी दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि मैं हाथ जोड़ करके नमन करती हूँ मेरे तमाम सनातनी भाई और बहनों का, जिन्होंने छप्पर फाड़ करके वोट वोट दिया भारतीय जनता पार्टी, और कमल के फूल को उन्होंने बहुत सम्मान दिया। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जितना जितनी मेहनत एक मुसलमान लड़की होने के नाते मैंने किया है, वो मेहनत मुझे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मुसलमान बहनों के वोटिंग के द्वारा मुझे दिखाई दी, मुझे दिखाई दी। मैंने कल देखा है कि नकाब और हिजाब में लड़कियां और महिलाएं ये कह रही हैं कि क्यों नहीं आते मोदी जी, मोदी जी को ही तो आना था, उन्होंने ही तो 3 तलाक बैन करवाया, उन्होंने ही तो नारी शक्ति के बारे में बताया, उन्होंने ही तो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया। कल मुझे इतना सुकून हुआ है, इतना सुकून हुआ है। 10 दिन पहले जब मैंने मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज में हिजाब में लड़कियों को रैंप शो करते हुए देखा, फैशन शो करते हुए देखा और फैशन डिजाइनिंग की बातें बोलते हुए देखी, तब मेरे दिल को सुकून मिला और मुझे लगा कि नहीं, चलो ठीक है, मुल्लाओं ने जो कहा है कि हिजाब पहनना जरूरी है तो हिजाब में ही अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही है, हिजाब में ही रैंप शो पे मॉडल बन करके उतर गई है, जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, बहरैन, इजिप्ट, कतर में मॉडल जो होती है वो हिजाब नकाब में मॉडलिंग करती हुई दिखाई देती हैं। तो मेरा भारत बदल चुका है, मेरे भारत की मुसलमान लड़कियां उड़ने को तैयार हो चुकी हैं, मेरे बिल्कुल दिखाई दिया। वाकई में बहुत भारी बहुमत में जीत हुई है, और जिस तरह से दुबई के वर्ल्ड क्लाइमेट समिट में वहां पर दुबई के मुसलमानों ने नारे नारे लगाए कि मोदी जी अब की बार 400 पार, मोदी जी अब की बार 400 पार, शेखों शेख लोगों ने नारे लगाए, दुबई के मुसलमानों ने नारे लगाए कि मोदी जी की सरकार बनेगी अब की बार 400 पार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी आ गए, मोदी जी छा गए। तो मतलब इतना प्राउड फील होता है ना अनम, इतना प्राउड फील होता है कि एक ब्लेसिंग मिली है भारत के नागरिक को, एक अवतार मिला है भारत के नागरिक को, जो वाकई में एक टूटे फूटे खंडर को एक खूबसूरत महल बना दिया है भारत को। कांग्रेस की सरकार ने भारत को खोखला कर दिया था, कांग्रेस की सरकार ने भारत के शीश को झुकाने की पूरी पूरी पूरा स्कीम बैठा दिया था, कांग्रेस की सरकार ने आतंकवादियों को यहाँ रोटी बोटी देना स्टार्ट कर दिया, कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को शिक्षा से दूर करके पत्थरबाजी और गला रेतने के काम में लगा दिया था, कांग्रेस की सरकार ने
मुसलमानों को मदरसा छाप और गटर छाप बना दिया था। कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया था। और एक सरकार मोदी जी की है जो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये कहते हैं कि आपके कुरान में अल्लाह के बाद इल्म के बारे में 800 बार लिखा हुआ है, तो आप इल्म हासिल कीजिए। एक ऐसा व्यक्ति है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो चाहते हैं कि पसमानदा मुसलमान सामने आए, जो चाहते हैं कि जो मुसलमान पीछे छूट गए हैं वो आगे आए, वो शिक्षित हो जाएं और शिक्षित हो करके अपनी बातों को खुद सामने में रखें, अपने लिए खुद लड़े और अपनी अपनी मुसलमान महिलाओं को पंख दें और उनको कुछ बनने और उनको उनको इज्जत भरी जिंदगी दें। देखो अनम, बहुत प्रैक्टिकल बात है, भारत में मुसलमान लड़कियों के तलाक बहुत होते हैं। मुसलमान पुरुष तलाक ना दे मुसलमान लड़कियों को, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो और मुस्लिम कम्युनिटी इतनी कंजर्वेटिव और इतनी ऑर्थोडॉक्स होती है कि अब एक बार एक लड़की का डिवोर्स हो जाता है तो उसके बाद उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, और खुदा ना खास्ता अगर एक बच्चा हो गया तो उसकी जिंदगी तो जहन्नुम होनी ही होनी है। तो एटलीस्ट अगर उसके पास डिग्री होती है, उसके पास एडुकेशन होता है, तो वो अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन रिस्पेक्ट से रिस्पेक्टफुली वो अपने बच्चे के साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन बढ़ा लेती है, क्योंकि मुसलमान पुरुष जो होते हैं वो बच्चा भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो माँ के गोद में ही छोड़ देते हैं और पिता के होते हुए, वालिद के होते हुए बच्चा अनाथ की जिंदगी गुजारता है। तो ऐसे सिनेरियो में पढ़ी लिखी शिक्षित लड़कियां अपने बच्चे को भी एक अच्छा जीवन दे पाती हैं और खुद को भी इज्जत भरी जिंदगी दे पाती हैं। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर हाल में मुसलमान लड़कियां और भारत की तमाम कास्ट और क्रीड की महिलाएं शिव शक्ति बनकर के सामने आए, वंदन अभिनंदन बनकर के सामने आए। तो ये बहुत खूबसूरत बातें हैं। और हर कांग्रेस की पार्टी की आज टाइम टाइम फिश हो गई ना, कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है। डेफिनेटली कांग्रेस मुक्त भारत का एक स्लोगन जो है वो भारत के नागरिक ने अपने वोट के माध्यम से बता दिया है। और जितनी भी पार्टियां जो कभी स्टालिन के पुत्र जो हैं उनके बेटे जो हैं, जो कभी सनातन को गालियां दिया कर रहे थे, जो कभी डेंगू मलेरिया बोल रहे थे, जो कभी भगवान को मलाइन कर रहे थे, डिफेम कर रहे थे, तो उन सबको इतना जोरदार तमाचा जनता ने मारा है, इतना जोरदार तमाचा मारा है। देखो जनता एकदम खामोश रही। जनता ने वोट के माध्यम से बता दिया कि भाई तुम अगर मेरे धर्म को या किसी के भी धर्म को तुम मलाइन करोगे, ऐसे नेताओं को हम नहीं चुनेंगे। और ये पहले भी था, भारत में भारत के नागरिक कभी धर्मों के बटे हुए राजनीति को कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे, और इस बार भी वही हुआ। आज कांग्रेस भी बोलेगी मोदी जी की जय। नहीं, कांग्रेस के दिमाग में ना एक घमंड भरा हुआ है, जैसे आपके पाकिस्तान के मुसलमान मर्दों के दिमाग में एक घमंड भरा हुआ है। कुछ नहीं है, पंचर लगा रहे हैं, लेकिन मैं तो काफिरों को मारूंगा, मैं तो जिहाद करूंगा। औकात चवन्नी की नहीं है पाकिस्तान के मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, लेकिन जिहाद करेंगे, साइंस नहीं पढ़ना चाहिए। अरे क्या हुआ, भारत चांद पे चला गया, हम तो जन्नत जाएंगे, जन्नत में 72 वर्जिन हूरे पाएंगे। तो ये जो एक ईगो प्रॉब्लम होता है ना, ये जो एक घमंड होता है ना, ये इंसान को लेके डूब जाता है। सोचो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो मुल्क की पार्टी थी, अब वो मुल्क की कांग्रेस की पार्टी अब मोहल्ले की पार्टी होकर के रह गई है। और आने वाले 2024 लोकसभा इलेक्शन में मुझे लगता है, मैं कंफर्म हूं, मैं श्योर हूं, मैं गारंटी ले सकती हूं कि अब कांग्रेस मोहल्ले की भी पार्टी 2024 में नहीं बचेगी, वो वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और मैं अनम आपको ये बात एकदम दावे के साथ कह सकती हूँ, लिख करके दे सकती हूँ, मेरी इस बात को रिकॉर्ड रखिएगा और चला दीजिएगा 2024 में, जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा ओथ लेंगे, कि ये 24 का इलेक्शन और राहुल गांधी जो गांधी परिवार का चश्मो चिराग है, इसकी पॉलिटिकल करियर इसकी खत्म है, वैनिश्ड है, इसका अब आगे कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है। देखो नेपोटिज्म पर आप कितने दिन तक जनता को बेवकूफ बना पाओगे? ठीक है, आप गांधी परिवार से आ रहे हैं, आपके नाना जो हैं वो प्रधानमंत्री थे, जनता ने प्रधानमंत्री बनाया था, आपकी दादी प्रधानमंत्री थी, जनता ने प्रधानमंत्री बनाया था, आपके पिता प्रधानमंत्री थे, जनता ने आपके पिता को प्रधानमंत्री बनाया था। पर जितनी कुप्रथाएं और जितनी दुर्नीतियां आपके आपके पूरे परिवार ने कर दिया जनता के साथ, वो स्मार्ट इंडिया है, सबने गूगल से निकाल निकाल के देख लिया, सबने इतिहास के पन्नों को कुरेद कुरेद के देख लिया। आप अजमल खसब के आने पर यही कांग्रेस की सरकार 30 करोड़ रुपए खर्च करती थी,
अभी अभी अगर अजमल कसाब आए तो हम तो टांग चीर देंगे जैसे मुर्गी का टांग चीरा जाता है तंदूरी बनाते वक्त, तो वैसे हम टांग चीर देंगे भाई। काहे को जेल काहे को बेल, सीधा प्रभु राम से मेल करवाओ ना, ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु राम से मेल। खत्म करो ऐसे लोगों को। 30 करोड़ रुपया आप जनता का खत्म करवाया था कांग्रेस की सरकार ने अजमल कसाब पर। 30 करोड़ रुपए से ना कोई स्कूल बना, ना कोई अकेडमी क्वालिफिकेशन की जगह बनी, ना कोई सड़क बना, ना कोई रोड बना, ना जनता के लिए कोई योजनाएं आए। 30 करोड़ में बहुत कुछ हो सकता था जनता के लिए। आप किस पर खर्च कर रहे हो? आप अजमल कसाब जो आकर के महाराष्ट्र में लाखों सनातनियों को के साथ खून की होली खेल लिया, खून की नदियां बहा दिया, और क्या बोल रहा है अपने स्टेटमेंट में कि काफिरों को मारने से जन्नत में 72 वर्जिन हूरे मिलेंगे। मतलब ऐसे बेवकूफों पर, ऐसे आतंकवादियों पर कांग्रेस की सरकार 30 करोड़ रुपए खर्च करती थी। निर्भया जैसे बलात्कारियों के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट जो है वो कांग्रेस की सरकार में सुबह के 4 बजे खुलता था बलात्कारियों को बचाने के लिए। कांग्रेस की सरकार में कृष्ण का पश्चिम बंगाल में रेप हुआ तो मुसलमानों ने किया, तो चीफ मिनिस्टर ने कह दिया नहीं सजीवी घटना है। अरे भाई आपके सामने लड़की हॉस्पिटलाइज्ड है, आपके सामने सारी चीजें हो रही है, आप कह रही है सजीवी घटना है, मतलब मुसलमान बलात्कारी है तो सजीवी घटना है, ये कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीजें तो जनता देख रही थी ना कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। चलो भाई आप आखिरी चश्मो चिराग हो, आपने शादी भी नहीं की, 50-52 साल के आप हो गए हो, एटलीस्ट थोड़ी बुद्धि से आप अपने अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर चलते, क्योंकि जनता स्मार्ट हो चुकी है। जनता अब वो पुरानी वाली नहीं है, जनता स्मार्ट हो चुकी है। हर वक्त हाथ में स्मार्ट मोबाइल फोन है, सारे इतिहास के पन्ने खुल रहे हैं, तो एटलीस्ट अब तो आप स्मार्टली काम करो। फिर भी इन्होंने क्या किया, राहुल गांधी ने मीडिया वालों से पूछ लिया, आप ब्राह्मण हो, आप ओबीसी हो, आप दलित हो, ये मीडिया वालों से उन्होंने पूछ लिया। मतलब यहां पर हम बार बार कह रहे हैं कि धर्मों के आधार पर मनुष्य को बांटना नहीं है, इंसान को धर्मों के आधार पर हम बिल्कुल नहीं बांटेंगे, कास्ट और क्रीड के आधार पर हम बिल्कुल नहीं बांटेंगे, और वो मीडिया वाले से पूछ रहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इमरान खान आटा लीटर के हिसाब से बेचता है, राहुल गांधी भी आटा लीटर के हिसाब से बेचता है, तो ये पाकिस्तानी कंटेंट और पीआर टीम को भारत क्यों एक्सेप्ट करेगा, भारत क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो मैं तो गर्व से कहती हूं कि एक ऐसा सनातनी अवतार हम लोगों को मिला है जो हमें चाहिए, और भारत की जनता ने अपने वोट के माध्यम से बताया है कि हमें यही चाहिए। वो चिटिंगबाज जी सर पे टोपी रख करके टोपी पहनाने वाला चिटिंगबाज नेता अब भारत को नहीं चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट नेता हमको चाहिए जो भारत के उन्नति के लिए काम करे, जो भारत के लिए काम करे, जो राष्ट्र के लिए काम करे, जो इस अखंड भूमि के लिए काम करे, और वो सारी क्वालिटी भारत के प्रधानमंत्री में है, मोदी जी में है। देखो कांग्रेस ने सिर्फ, राहुल गांधी ने सिर्फ अपनी आइडेंटिफिकेशन और छवि खराब नहीं की है, उन्होंने ये धर्मों की राजनीति को सामने ला करके इस दौरान, इलेक्शन के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी, बापू जी जो हमारे फादर ऑफ नेशन है, उनको भी उन्होंने मलाइन किया है, क्योंकि बापू जी की स्पीच स्टार्ट होती थी रघुपति राघव राजा राम, और उन्होंने उसी गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग राहुल गांधी ने वही राम भगवान को भी मलाइन कर दिया। तो आप तो डायरेक्टली अपने अपने परिवार में अपनी दादी को, अपने नाना को, अपने बाप को तो मलाइन कर ही रहे हो, साथ साथ आप भगवान राम को और बापू जी को भी मलाइन कर रहे हो, फादर ऑफ नेशन को भी मलाइन कर रहे हो, तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेगा ना, करेगी ना भारत की जनता? अब लोग स्मार्ट हो चुके हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्वालिटी ही नहीं है कि ये जनता को कन्विंस कर सके और जनता के लिए काम कर सके। एक सिंह लगा करके बैठ गया है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कि भाई हम गांधी परिवार से हैं, हम गांधी परिवार से हैं, तो ये नेपोटिज्म अब नहीं चलेगा। जो कार्य कर सकता है, जो इस अखंड भारत के लिए अपने आप को समर्पित कर सकता है, वही इस देश में चलेगा, अदरवाइज आप जाइए घर में बैठिए। और वही हुआ, सबको ढूंढते जब पीएम मोदी छा गए तो हमने देखा कि कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक में मोदी जी का स्टैचू तो है ही था, अब नारे लगने लगे हर हर मोदी घर घर मोदी, तो मतलब कश्मीर के श्रीनगर में भी उन्होंने कह दिया कि मोदी मोदी और बस मोदी, कश्मीर जो हमें चाहिए आज मोदी के
बस चर्चों में लगा हुआ है कि नहीं मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, अब कोई और नहीं, दुनिया को फतह कर लिया है भाई मोदी जी ने। आज मुसलमान कंट्रीज मोदी के चर्चों में है, सीओपी को अब लीड करने वाला भी पीएम मोदी ही नजर आएगा। मुझे लगता था कि इस बार मोदी जी रह गए तो मुसलमान कंट्रीज फिर शायद पाकिस्तान के साथ वैसे हो जाएं जैसे एक टाइम था और थी, अब तो फिर मोदी जी आ गए, अब क्यों बनेगा, अब तो मुश्किलात नजर आ रही है। ऐसा है कि अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, भगवान सब मोदी जी के सपोर्ट में है शायद, और मैं इस बात को कंफर्म कर देती हूँ कि उनकी नीयत ही अच्छी है, और जिसकी नीयत ही अच्छी होती है ना उसके साथ भगवान बिल्कुल साथ देता है और उसके साथ खड़ा हो जाता है भगवान। तो नीयत ही उनकी इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, और उन्होंने भारतीय नागरिक के लिए इतना अच्छा किया है कि हर एक की जुबान से मोदी जी के लिए दुआएं ही निकलती हैं सिर्फ, एक्सेप्ट वो सुन्नी मुसलमान मर्दों के अलावा। और जिस हिसाब से कश्मीर की आपने बात कही है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कश्मीर हमारी जान है, हमारी सांस है, और सांस कोई नहीं छोड़ता है और जान कोई नहीं छोड़ता है, नहीं तो वो मर जाता है। तो कश्मीर हमारी जान थी, है और रहेगी, ये बात प्रैक्टिकल नजर आती है, नो डाउट प्रैक्टिकल नजर आती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस कंटेंट के बारे में आप मेरे से बात कर रही हैं उसकी कुछ वीडियोस भी जरूर लगा दीजिएगा, ताकि आपके कम अकल के पाकिस्तानी मुसलमानों को समझ में आए, जो कभी कभी ये बात मेरे साथ भी बैठ करके कह देते हैं, आप कश्मीर के बारे में बात क्यों कर रही हैं, कश्मीर से हिंदुस्तान का क्या लेना देना है, कश्मीर का भारत से क्या लेना देना है, कश्मीर के बारे में कश्मीरी बात करेंगे तो उनके लिए ये जोरदार तमाचा है, उन पाकिस्तानियों के लिए जो ऐसी बेवकूफाना बातें बैठ करके करते हैं, इतनी बेवकूफी, इडियोटिक और स्टूपिड बातें बैठ करके करते हैं। जैसे माँ के लिए ना एक औलाद कलेजे का टुकड़ा होती है ना, और माँ मर जाए अगर बच्चे को एक चोट भी आ जाए, एक मामूली सी खरोश भी आ जाती है ना बच्चे को, तो माँ की सांस उथल पुथल हो जाती है। उसी तरीके से हमारा कलेजे का टुकड़ा है कश्मीर, एक मामूली सी खरोश भी अब आएगी ना तो हमारी सांस उथल पुथल हो जाएगी। तो ये चीज, और कश्मीरी जितने भी हैं हमारे भाइयों ने बहनों ने इस बात को हजार लाख बार बता दिया है पाकिस्तानियों को कि कश्मीर भारत की जान है, लेकिन ये अकल से कम, अकल से पैदल पाकिस्तानी ये खबरिस्तान बनने के चक्कर में ये कुछ भी करते चले जा रहे हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता है अनम, लिटरली मुझे समझ में नहीं आता है कि ये अकल, ये पैदल चली हुई घास खाई हुई अकल पाकिस्तानियों के पास आती कहाँ से है, मुझे समझ में नहीं आता है। मदरसा छाप ठीक है, मदरसा छाप है वो, लेकिन इतना अकल से पैदल और इतना घास फूस खाया हुआ दिमाग, मतलब एकदम बेवकूफ से भी इडियोटिक से भी इडियोटिक ये लोग बातें करते हैं, और हम्मास में लड़ाई हो रही है, यहाँ उछले जा रहे हैं मेंढक की तरह, चले जाओ हम्मास, यहाँ उछल करके क्या फायदा है, भारत में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, आ जाओ भारत आके देखो, आओ, आने की हिम्मत है, आके देख के जाओ, और जो आके देख कर जाते हैं वो तो जाना ही नहीं चाहते, वो तो रिटर्न ही फिर जाना नहीं चाहते, वो तो रोना गाना करने लगते हैं कि भारत में जितनी खूबसूरती है और भारत में जितना प्रेम है उतना तो मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा, ये तो आपके पाकिस्तानी लोग बोलते हैं, इवन एंकर और रिपोर्टर लोग बोलते हैं। तो तुम कौन सी गोटी खाते हो, मुझे लगता है कि आपके पाकिस्तान में जितने भी मुल्ला और मौलवी है ना उनको मस्जिदों में बंद करके ताला लगा देना चाहिए कि तू अंदर रहे भैया, अगर आपको पाकिस्तान की उन्नति चाहिए ना, क्योंकि आप तो ट्रिलियन ट्रिलियन खर्चे में दबे जा रहे हैं, धसे जा रहे हैं। अभी ये क्लाइमेट एक्शन समिट में आपका पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहां पर था, काकर कड़कड़ा रहा था, वो जूम करके देखना पड़ा, वो पीछे कड़कड़ा रहा था कहीं लाइन में पीछे, काकर कड़कड़ा रहा था पीछे, तो कोई इज्जत नहीं। तो भाई अब मैं तो देखो हमें तो ह्यूमैनिटी की आदत है, तो मैं तो पाकिस्तान को सजेशन देना चाहूंगी कि अब भी वक्त है, अभी भी वक्त है, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन लड़की जवान हो गई है, किसके शरीर पर निकाब नहीं है, किसके सर पर दुपट्टा नहीं है, कौन शादी नहीं कर रहा है, और कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, इन सारी चीजों को छोड़ करके अगर अपने देश को भला करने पर आज भी अगर पाकिस्तान लग जाए तो शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो सकता है, शायद कुछ हो सकता है,
और जिस तरह से पाकिस्तान में अवाम का मुंह बंद करने का जो एक टेंडेंसी चला है 76 साल से, ये टेंडेंसी खत्म करनी चाहिए। जैसे हमारे भारत में अगर बलात्कार होता है तो हम सब चीखते हैं, क्यों हुआ सरकार जवाब दो, क्यों हुआ सरकार जवाब दो, ये हम भी चीखते हैं बैठ करके। तो क्या होता है कि सरकार को भी लगता है कि यहाँ पर गलत हुआ है, हमें यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की फैसिलिटीज पाकिस्तान की आवाम को भी होनी चाहिए। और मुझे मैं श्योर हूं कि मुसलमान तो इस बारे में बात नहीं करेंगे, मर्द जो है पाकिस्तान के, लेकिन महिलाएं जरूर बात करेंगी। मैं श्योर हूं इस चीज के लिए, क्योंकि मैं जितनी लड़कियों से बैठती हूं आप लोगों के साथ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके अंदर एक है आग जो निकल सकता है, जो पाकिस्तान को भला कर सकता है, जो पाकिस्तान की भलाई में काम आ सकता है। वो आग है, वो शोला है, पर आप लोग भी कहीं ना कहीं डर जाते हो कि पता नहीं हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। और ये फैसिलिटी अब हमारे भारत में 9 साल से है। कांग्रेस की सरकार थी तब हम नहीं बोल पाते थे, हमें जेल में डाल दिया जाता, हमें मारपीट दिया जाता, हमारा कत्ल कर दिया जाता, हमारा गला काट दिया जाता, ये सब कुछ हो सकता था। हम भी डरते थे, जैसे आप अभी पाकिस्तान में डरती हैं, तो कांग्रेस की सरकार में हम भी ऐसा डर के रहते थे। 9 साल पहले की आप मेरी स्पीच देखिएगा, बहुत बैलेंस्ड होती थी, बहुत बैलेंस्ड, इतना खुल के नहीं बोल पाती थी मैं, डर रहता था कि गला ही काट के कहां फेंक दिया, या 50 लोग मिलकर के बलात्कार कर देंगे, रॉड से बलात्कार होता था कांग्रेस की सरकार में, मतलब गैंगरेप होता था, बाद में फिर वर्जाइना में रॉड डाल दिया जाता था, आयरन रॉड। निर्भया का वैसे ही बलात्कार हुआ था, तो कांग्रेस की सरकार में डराया ऐसे जाता था लड़कियों को, लड़कियों की जुबान ऐसे बंद की जाती थी जैसे आपके पाकिस्तान में होता है, एग्जैक्ट पाकिस्तान जैसा था भारत 9 साल पहले कांग्रेस की सरकार में। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं सरकार से गलती हो रही है तो भी आप बोलिए, ताकि सरकार को पता चले कि हाँ यहां पर मेरी गलती है और मुझे यहां पर दुरुस्त करना चाहिए। तो उसी तरीके से अब भी वक्त है, पाकिस्तान बदल सकता है अगर महिलाएं आगे आ जाएं और उनको बोलने की अनुमति मिल जाए तो।